नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। वेंसडे का दिन है, बताऊंगी आपको आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है द स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटाकल्स। तो आज मेष राशि वालों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ कोई नया काम आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आप कोई नया रिश्ता अगर बनाने के बारे में सोच रहे हैं या अपने किसी लव रिलेशनशिप को आप मैरिज तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है, आप प्रपोजल्स कर सकते हैं। अगर बात करूं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी नए व्यवसाय की शुरुआत, नए कारोबार की शुरुआत आज के दिन में हो सकती है। उपाय क्या करना है, आज बुधवार का दिन है और आज गौशाला में जा करके कुछ भी डोनेशन दे देना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टॉरेंस की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकल रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो आज आप अपने काम से सेटिस्फाइड रहेंगे, साथ ही में आप लग्जरीज को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लग्जरीज का आनंद आज के दिन में उठाएंगे। कहीं ना कहीं पे अपने माता पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे, जो वैचारिक मतभेद थे, उसको समझने का प्रयास कीजिए और कहीं ना कहीं पे अगर आपकी गलती है तो आप उन गलतियों को भी मानने की कोशिश कीजिए। आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ऐसे लोग जो कि आपसे जेलस होते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए, नहीं तो नज़र दोष जैसी चीज़ें हो सकती हैं। आज के दिन में छोटा सा उपाय, नमक के पानी से अपने घर को क्लेंस करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जो है दूर हो जाएगी, नज़र दोष जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए बात कर लेते हैं जेमिनाइज की। और फर्स्ट कार्ड निकल रहा है जेमिनाइज के लिए द मून एंड द सेकंड कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स। तो जेमिनाइज के लिए दो चीज़ें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्योंकि आपके लिए आज काम को करने के तरीके में कहीं ना कहीं पे आपको बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही में आज सिचुएशंस आपका साथ नहीं देंगी, लेकिन आप किसी भी काम को अगर बहुत ही ज़्यादा धैर्य से, बहुत समझदारी से अगर टैकल करेंगे तो वही काम आपको फ़ायदा भी देगा। तो आज दोनों चीज़ों में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। साथ ही में जेमिनाइज के लिए आज एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई भी नया व्यापार या नया कार्य शुरू करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो जो लोग खासतौर पर व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है, कुछ नए चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है। छोटा सा उपाय करेंगे, आज किसी भी गौशाला में जा करके आपको हरा चारा खिलाना है गाय को। कंसर्न्स के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है फोर ऑफ वांड्स, सेकंड कार्ड फाइव ऑफ पेंटाकल्स। तो आज मनी लॉसेस से बचना है, जी हाँ, पैसे का लेन देन से बचना है और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें आप कोशिश करें कि सिग्नेचर करते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखें। फोर ऑफ कप्स, दैट मीन्स आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके आपसी रिश्तों में तनाव वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। आज के दिन में आप कोशिश करें कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को दें, शाम का समय ट्रैवलिंग में बीत सकता है। आज के दिन में उपाय रहेगा किसी भी मंदिर में जाकर के हरे कपड़े में बांध करके आपको मूंग की दाल का दान करना है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। लियोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ कप्स। तो लियोस को आज सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन अपने गुस्से पर काबू करना है आपको, जी हाँ, गुस्से पर काबू करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके इस उग्र स्वभाव की वजह से आज काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो लियोस आज बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं हो और साथ ही में अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। लेकिन आज के दिन में अच्छी चीज़ ये है आपके लिए कि आप अपने रिश्तों को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने डिसीजंस को अच्छे से समझ पाएंगे। आज मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आप अपने अंदर की फीलिंग्स को महसूस कर पाएंगे और आप क्या करना चाहते हैं, क्या आने वाले समय के लिए प्लानिंग्स करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए भी बहुत ही आसानी से डिसीजंस कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करना अच्छा है, साथ ही में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करना, लैवेंडर एसेंस का अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रयोग करना काफ़ी शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज टावर। तो आज कहीं ना कहीं पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको कंट्रोल करना होगा आपको। दूसरी चीज़ ये है, यात्रा दिखाई दे रही है लेकिन वो यात्रा उतनी ज़्यादा लाभप्रद नहीं रहेगी, उतनी अच्छा आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। तो आज कोशिश करें, अगर ट्रैवलिंग के प्लान्स हैं भी तो आप उसे थोड़ा कुछ टाइम के लिए डिले कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, द टावर कार्ड निकला है तो थोड़े बहुत मनी लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए आज क्या करेंगे, सुबह उठ करके सबसे पहली चीज़ तो आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से आज आपके काफ़ी सारे काम पूरे होंगे। और जैसे मैंने कहा, मनी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं तो कहीं आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी से पैसे का लेन देन करते हैं, उसे राहु काल के समय में नहीं करेंगे। चलिए बात कर ले कि आपके लिए आज
काम को करने के तरीके में कहीं ना कहीं पे आपको बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही में आज सिचुएशंस आपका साथ नहीं देंगी, लेकिन आप किसी भी काम को अगर बहुत ही ज़्यादा धैर्य से, बहुत समझदारी से अगर टैकल करेंगे तो वही काम आपको फ़ायदा भी देगा। तो आज दोनों चीज़ों में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। कोई भी नया व्यापार या नया कार्य शुरू करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो जो लोग खासतौर पर व्यापारी हैं उन लोगों के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है, कुछ नए चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है। छोटा सा उपाय करेंगे, आज किसी भी गौशाला में जा करके आपको हरा चारा खिलाना है गाय को। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। फर्स्ट कार्ड निकलता है स्कॉर्पियंस के लिए एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स। तो आज एक शेल्टर पोजीशन है, आपने जितना कामकाज किया है अभी तक, आपने जो गुडविल बनाई है अपनी, उसके रिजल्ट्स आज आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। लोग आपका मान सम्मान करेंगे और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं उनको आज कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप लोग अपने मकान के शिफ्टिंग के प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे या फिर किसी मांगलिक कार्य के आयोजन में आज बिजी हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आज आप लोगों के लिए दिन भर पूरा जो रहेगा वो काफ़ी बिजी स्केड्यूल्स आपके रहेंगे। छोटा सा उपाय कर लेना बहुत ही लाभ फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आज जैसे कि बुधवार का दिन है तो गणपति जी को मोदक का भोग लगाना है, और ख़ास तौर पे ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कि व्यापारी हैं, अपना काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं। आप लोगों के लिए बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं सैजिटेरियंस की। धनु राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकल रहा है द लवर्स एंड द सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ सॉल्स। तो आज सैजिटेरियंस जो हैं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, हो सकता है बिना बात का स्ट्रेस आप ले लें जिसकी वजह से थोड़ी स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो आज कोशिश करें अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, और इसके लिए क्या करना होगा, आज आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित पानी से नहाना है, स्नान करना है। ऐसा करने से स्ट्रेस लेवल्स आपका कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा रिश्तों में आज मिठास बढ़ रही है, और आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है। और छोटा सा उपाय जैसे कहा मैंने कि गंगा यानी कि गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान करना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जलाने से भी आपके जीवन में एक तरह से सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में आज जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं वो खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज टू ऑफ पेंटेकल्स। तो आज के दिन में पार्टनरशिप में किया गया कोई भी काम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ पार्टनर्स के साथ कोई ट्रैवलिंग प्लान्स भी कर सकते हैं। अगर अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उस प्लानिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज का दिन जो है स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पर आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो उसके लिए थोड़ी और एफर्ट कीजिए, क्योंकि आज का दिन जो है बुधवार का दिन है। छोटा सा उपाय आप लोगों को बताऊँ, भगवान गणेश की उपासना करेंगे खासतौर पर स्टूडेंट्स, और भगवान गणेश को दूर्वा घास का आप उनको अर्पित करेंगे, साथ ही में मोदक का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही में स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से जितना वो पढ़ाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बात कर लेते हैं क्वेरेंस की। कुंभ राशि वालों के लिए पहला कार्ड जो निकल रहा है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज हर्मिट। तो आप लोगों के लिए आज आपको गाइड करने के लिए आपके मेंटोर्स आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन आपकी अगर बात करूं मैं पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यू कॉन्ट एक्सपेक्ट योर फ्रॉम योर पार्टनर्स के वो आपके डिसीजंस को या आपके जो बात है, बातचीत है, उसको समझें। आपको खुद से उनको समझाना पड़ेगा और खुद से ही इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आज इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी लाभप्रद दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीनियर्स के साथ तालमेल बनानी पड़ेगी। उपाय छोटा सा करना है, आज ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, साथ ही में एक वाइट पेपर के ऊपर आपको नंबर 3 लिख करके अपने साथ रखना है। ऐसा करने से आपका लक फैक्टर आपका साथ देगा, आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। बात कर लेते हैं आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए कैसा है दिन। देखिए पाइसेस यानी कि गुरु की राशि, आज का दिन जो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है, द जजमेंट कार्ड निकला है। पाइसेस के लिए आज मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप लोगों को दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है और दूसरों के कहने से भी आज कोई काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया आपसे और आप उसी डायरेक्शन में आगे चल दिए, आपको खुद से समझदारी से सोच समझ कर डिसीजन लेना है। साथ ही में आज आपकी जो लव्ड वंस हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो उनकी उम्मीदों को, उनकी प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे समझने का भी प्रयास करें। इसी के साथ वर्क प्लेस पर आज सीनियर्स आपके काम को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, आपके काम की सराहना भी करेंगे। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, लेकिन
जैसे मैंने कहा, रिश्तों के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। उपाय क्या करना है, मीन राशि वालों के लिए आज केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाकर ही किसी काम के लिए बाहर जाइए। इसके साथ भगवान गणपति जी की उपासना आज के दिन में ज़रूर कीजिए। आपका दिन तो बेहतर जाएगा ही, आपका क्या कैपेबिलिटीज़, आपका क्या लेवल भी, आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल भी लेकर आऊँगी ऐसे ही आपके दिन का हाल। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। और एस्ट्रो तक से जुड़ने का मतलब ये है कि आप एस्ट्रो तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।